हेलो नमस्ते, और आपका स्वागत है ये 50 डे रिग्रेस प्लान में। इसमें हम ऑलरेडी डे 32 पे पहुंच चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं डे 32 इज़ बेसिकली आपका 20th अप्रैल जो कि है आज। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट। तो हमने क्या किया है, एक्चुअली टॉपिक जो था ये था एनवायरनमेंट गवर्नेंस का। और हमने इस एनवायरनमेंट गवर्नेंस के टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, एक पार्ट में तो हम आपको बेसिकली एनवायरनमेंट के जो कन्वेंशन हुए हैं, कुछ लॉज निकल के जो आए हैं, है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे होगे, जो इतनी समिट्स होती रहती हैं, जो बॉडीज होती है, जैसे UNFCCC हो गया, CBD हो गया, आपके क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम एक पार्ट में डिस्कस करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम बेसिकली इंडिया स्पेसिफिक थोड़े लेजिस्लेशन हो गए, है ना, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइप हो गया, वेटलैंड के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई एनिमल का स्टेटस हो गया, तो वो सब चीज़ें हम दूसरे पार्ट में लेंगे। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 60 to 61 क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करी है, और हमने मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बनाया है कि आप इन क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे करोगे तो आपको इसके बाद इन क्वेश्चंस को तो कहीं और जाके करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो, हम तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, है ना, वो भी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करनी थी। ठीक, तो मैं होप कर रही हूँ कि आपने ये सब रिवाइज कर लिया होगा। और अब हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली ये वाली जो चीज़ थी ना, ये आपकी करने वाली है, कि हमें रिवीजन जो करना था दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी के करंट अफेयर्स का, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कर लिया होगा। और एनवायरनमेंट के जो दो पार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग डेट्स जो आपको पहले ही बताई गई हैं वो फिक्स कर दी गई थी, तो आज हम एक पार्ट ले रहे हैं और दूसरा पार्ट जो होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। अगर आप देखोगे तो ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली वैसे भी न्यू एडिशन है ना, ये जो एडिशन हुआ है आप देखोगे काफ़ी बहुत रीसेंट एडिशन है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से बनने शुरू हुए हैं वो आप विश्वास नहीं मानोगे, इतने ज़्यादा हैं, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस, वो भी इसमें से क्या होता है, कुछ 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं, मतलब या तो आपने उन बॉडीज या उन कन्वेंशन या उस थीम के बारे में पता होगा या नहीं होगा, वो डायरेक्टली येस और नो क्वेश्चन होते हैं। आपने सुना है तो येस, आपने नहीं सुना है तो नो, इसमें आप कोई तुक्का नहीं मार सकते, है ना। और बाकी जो बचे हुए लेकिन 7-8 क्वेश्चन है ना, इसमें क्या होता है, आप स्टेटमेंट्स देख के एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ जरूरी नहीं आपको आती हो। जैसे अब एक क्वेश्चन आया था यूएन हैबिटेट पे, तो अब यूएन हैबिटेट के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, और सुना भी होगा तो आपने सिर्फ ये सुना होगा कि कैसे ये जो अपने अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनको और बेटर और सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें आपको पता होगा, चलो मैक्स टू मैक्स ये पता होगा कि इसके 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अब तक, है ना, एक वैंकूवर में हो गई, एक बेसिकली आपकी यूकेडोर में हो गई, या एक इथोपिया वगैरह में हो गई, लेकिन इसके अलावा आपको क्या थीम पता होगी, नहीं। तो फिर ये सब चीज़ें ना आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के समझ में आती है कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस का एक ब्रॉडर थीम रहता है पूरे साल में, और उसके बाद क्या होता है, उनकी जितनी भी बॉडीज होती है ना, आप देखोगे समवेयर उन सबका थीम जो होता है ना, उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है। आप हमेशा देखना है, मतलब यूपीएससी में कभी भी एक चीज़ को अलग रख के मत पढ़ो, हमेशा सब चीज़ को साथ में लो। अगर यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहे हो तो यूनाइटेड नेशंस इतनी बड़ी बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो कोर ऑब्जेक्टिव जो है यूनाइटेड नेशंस का उससे अग्री करती है। तो अगर यूनाइटेड नेशन ने किसी साल की कुछ थीम रखी है तो जनरली क्या होगा, ये सारी बॉडीज जो होंगी ना उसी के अराउंड, मतलब बूथ के कुछ इधर उधर करके थीम जो होगी वो उसके अराउंड ही होगी। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देख लो 2010 में शुरू हुई थी कहानी, 10 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे, और आप देख लो ऑलमोस्ट कई बार तो 18 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2016 के पेपर में, और 2016 के पेपर में तो इतने फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जैसे महाराष्ट्र की उन्होंने शायद स्टेट बटरफ्लाई वगैरह के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो उस टाइम ही आप देखोगे, क्योंकि 2015 में COP21 हुआ था, तो इससे आप देखोगे 2016 में आपसे UNFCCC के बारे में भी पूछा था, आपसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में, तो बहुत कुछ पूछा गया था। ठीक है, इस मतलब ये पेपर में तो मुझे याद है कि जब बच्चे बाहर निकल के आए थे तो बोल रहे थे कि यार ये हम एनवायरमेंट का ही पेपर सॉल्व करके आए हैं या सिर्फ यूपीएससी का पेपर सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ये वाला अपना पूरा सिलसिला। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ये 1 है। तो इस क्वेश्चन है ये बेसिकली जो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इस वर्ड के बारे में, ये बोल रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिर्रस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन किसके बारे में है, सिर्रस क्लाउड थिनिंग के बारे में, और दूसरा चीज बोल रहा है कि ये जो आप सल्फेट एरोसोल्स डालते हो ना स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये सब चीज़ों से आप अटेन क्या करना चाहते हो फाइनली। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि आप क्रिएट करना चाहते हो आर्टिफिशियल रेन, दूसरा बोल रहा है कि आप रिड्यूस करना चाहते हो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तीसरा बोल रहा है कि आप जो एडवर्स इफेक्ट है सोलर विंड के वो कम करना चाहते हो, और चौथा बोल रहा है आप ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहते हो। अब मैं आपको बताती हूँ,
इसका आंसर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सोच लिया होगा, और इसका आंसर अगर बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे उस टाइम, तो वो था ए और डी में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको, कभी भी यूपीएससी में आंसर हो सकता है आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो और आपको लगे दोनों सही है, हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर की तरफ जाना है। रिपीट कर रही हूँ वापस, बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है, जो हर वर्ड को मतलब आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं फिट करे। अब इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें तो बोल रखी है, एक तो है सिर्रस क्लाउड थिनिंग और दूसरी है सल्फेट एरोजोल। तो सल्फेट एरोजोल अगर सिर्फ अकेला मेंशन होता तो आप बोल सकते थे कि ये आर्टिफिशियल रेन्स के लिए काम आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटका में एक प्रोग्राम होता है जिसको वो लोग वर्षाधारी बोलते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि वो लोग आर्टिफिशियल रेन्स करने का इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो लोग आयोडीन क्रिस्टल्स वगैरह भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपने सल्फेट क्रिस्टल्स डाल दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या सिर्रस क्लाउड थिनिंग करके आप आर्टिफिशियल रेन्स कर सकते हो? आंसर है नहीं। इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा बल्कि डी होगा, क्योंकि दोनों भी ये जो मेथड्स हैं ये एक्चुअली आते हैं जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के अंदर, और जियो इंजीनियरिंग जो है ये आपके एक्चुअली ऐसे पेपर में, पार्ट जो अपना ए आता है उसके अंदर पूरा एक ऐसे पूछा था इस पे, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स पे, क्लाइमेट इंजीनियरिंग टेक्निक्स पे। तो आप सोच लो कि जो आप जीएस में पढ़ रहे हो ना, वो वही की वही ऐसे में भी उतार के आना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी, जिसमें बेसिकली आप रिड्यूस करना चाहते हो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि सिर्रस क्लाउड्स क्या होते हैं, उनकी थिनिंग करने से फायदा हो क्या होगा। देखो, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, जिसमें हम देख रहे हैं फ्लैट बेस होता है, एक होते हैं निम्बस, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे ब्लैक कलर के होते हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। फिर एक जो होते हैं आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं, ठीक है, और एक जो जिसमें हम देख रहे थे कि आपके सिर्रस क्लाउड्स वगैरह आते हैं, है ना, ऐसे आप देखोगे फेदरी फेदरी टाइप होते हैं, वो फेदरी अपीयरेंस होता है। तो ये जो सिर्रस क्लाउड्स होते हैं, मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। सपोज ये सन है, ठीक है, अब सन से क्या हो रहा है, रेज आ रही है अर्थ में, और हमें पता है कि अर्थ एक्चुअली हीट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स है, ये रेज यहाँ पे गई और फिर ये वापस यहाँ से रेडिएटिव हीटिंग हो रही है। बेसिकली ये जो हमारे पास सन से जो रेज आ रही है वो तो शॉर्ट वेव आ रही है, लेकिन हमारी जो अर्थ वापस रिफ्लेक्ट कर रही है वो लॉन्ग वेव कर रही है, और यही लॉन्ग वेव रेड्स रेडिएशन जो है बेसिकली ये क्लाउड से टकरा के वापस आ रही है। लेकिन अगर मैं इन क्लाउड को थिन कर दूँ, अगर ये इतना मोटा क्लाउड था कि आपस में टच कर रहे थे, अब इसकी जगह मैं क्या करूँ, क्लाउड को पतला कर दूँ, समझ में आ रहा है, ऐसे पतले पतले बना दूँ, तो इससे क्या होगा कि जो रेडिएशन है टकराएंगे ही नहीं ना, ये ऐसे की ऐसे वापस चली जाएंगी स्पेस में। तो इससे क्या होगा कि जो रेडिएशन है वो टकराएंगे नहीं, तो रेडिएटिव हीटिंग नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा, आपकी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या था आपका, सल्फर एरोसोल वाला। तो एरोसोल्स डालोगे तो क्या होगा, एरोसोल्स जो होते हैं बेसिकली कौन से मटेरियल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। कौन से मटेरियल होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, जो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब आप वाटर को अट्रैक्ट करोगे, यानी वाटर वेपर को अट्रैक्ट करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था अब इन दोनों चीजों का मतलब, लेकिन क्या मुझे बताओ, अब जो पेपर में पूछा जा चुका है वही पूछा जाएगा, आंसर है नहीं। तो अब मुझे बताओ, जब सिर्रस क्लाउड थिनिंग पूछ लिया है ना, फिर आपसे सल्फेट एरोसोल के बारे में पूछ लिया है, तो बचा क्या है, बाकी जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जियो इंजीनियरिंग होता क्या है। जियो इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि वो टेक्निक्स या वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स जिसके बलबूते पे आप क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको थोड़ा कम कर सकते हो, आप जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या तो उसके इफेक्ट्स को कम कर दो, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इस इंजीनियरिंग टेक्निक्स में क्या होता है, अब इस इंजीनियरिंग टेक्निक्स में आप देखोगे काफ़ी टेक्निक्स आती हैं, जैसे एक तो हो गई कि आपने अपने घरों के छतों पे वाइट पेंट करना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा है। अब आपने घरों के छत पे वाइट पेंट कर दिया तो बताओ क्या होगा, वाइट जो होता है वो कलर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जबकि ब्लैक जो होता है वो कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर आप गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनते हो तो बड़ी गर्मी लगती है, क्यों, क्योंकि आपकी जो कपड़ा है ना वो बेसिकली हीट अब्जॉर्ब करता रहता है। लेकिन जिसलिए आप देखोगे कि गर्मियों में सब लोग बोलते हैं लाइट कलर पहनो, लाइट कलर पहनो, जो माँ बाप हमारे चीज बोलते हैं बिना साइंस जाने, वो एक्चुअली इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि व्हाइट कपड़ा जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो लाइट कलर्स होंगे वो रिफ्लेक्ट कर देंगे सारी जो भी हमारा सनलाइट आएगी, तो हम कुछ अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमें गर्म नहीं लगेगा। तो वही चीज को सोचते हुए आप अपने घर की छत को व्हाइट पेंट कर दो, तो जो जितनी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आप देखोगे आपके घर का जो छत का जो नीचे वाला कमरा है ना वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या टेक्निक्स होती हैं, इसमें एक टेक्निक होती है मरीन फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। मरीन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सपोज आपके पास ये ओशन है, ठीक है, अब ओशन में क्या होता है, आपने देखा होगा एक अपवेलिंग जोन होता है जहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, फिर यहाँ पे जो फिशेस वगैरह होती है, प्लांकटन्स वगैरह होते हैं, उसको खाते हैं, और फाइनली आप देखोगे पूरी फूड साइकिल चलती है। अब मरीन फर्टिलाइजेशन क्या बोलता है कि जो नीचे का पानी है उसको ऊपर ले आओ, जब आप ऊपर ले आओगे तो क्या होगा, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो एक्सेसिव फाइटोप्लांकटन्स वगैरह का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। जब फाइटोप्लांकटन्स का ग्रोथ होगा, क्योंकि फाइटोप्लांकटन्स क्या है, आपके मरीन के बेसिकली ट्रीज की तरह है ना ये, तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली CO2 अब्सॉर्ब करेंगे, तो CO2 अब्सॉर्ब करेंगे तो आपका ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा।
क्योंकि अगर CO2 कम हो जाएगा तो CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो अपने आप आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक और तरीके का आपका ये हो गया। फिर एक और होता है मरीन क्लाउड सीडिंग। मरीन क्लाउड मतलब ओशन के ऊपर बेसिकली क्लाउड बनाने की कोशिश करो, या तो सॉल्ट पार्टिकल्स इंजेक्ट कर दो या सल्फेट सल्फेट एरोसोल्स वगैरह डाल दो, ताकि मरीन के ऊपर ओशन के ऊपर क्लाउड बन जाए और ओशन में इतना पानी भी होगा कि इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होकर क्या हो जाएगा, फटाफट पानी गिर के नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये तो था मेरा बेसिक सा जो मैं आपको चाहती थी कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ वो चीज़ बात पढ़ो, बट उस चीज़ से रिलेटेड जो बाकी चीज़ है ना वो भी पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे में पूछी गई हो सकता है GS3 में पूछी गई हो। ठीक है, तो जो सीधा क्लाउड्स हैं आपको पता ही होगा कि ये जो रिफ्लेक्ट नहीं करते लॉट ऑफ सोलर रेडिएशन, बल्कि हम देखेंगे कि वो जो होते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे बहुत सारा रेडिएशन जो होता है अपने आप में ट्रैप कर लेते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है अर्थ का, जो ग्रीन हाउस गैस करती है ना वही कहीं ना कहीं सीधे क्लाउड्स भी कर रहे हैं। जब आप इनकी थिनिंग कर दोगे, जब आप इनको तोड़ दोगे, इनको पतला कर दोगे, तो आप बेसिकली रेडिएशन को जगह दे दोगे बाहर निकलने का। ठीक है, और ये ऐसे ही आपको यहाँ पे सल्फेट एरोसोल के बारे में बता रखा है, जहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि वो कूल कर देंगे प्लैनेट को। ठीक है, अब सल्फेट एरोसोल होता है ना वो दो जगह इंजेक्ट किया जा सकता है, एक होता है ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे आप बारिश लाने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे जो मेंशन किया था वो तो स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इससे बेसिकली इसमें जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोसोल डालोगे ना तो ये क्या होगा, सनलाइट आने से पहले ही मतलब अर्थ में पहुंचने से पहले ही ये इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, फर्क समझना, एक होता है ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे आप बारिश बना के टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हो, और एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पे आप बेसिकली उसको आने से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा सनलाइट नीचे नहीं आएगी, कम सनलाइट आएगी तो आपको कम बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग या बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसी में पता है एक और बड़ा वाइल्ड सा आइडिया दिया था एक साइंटिस्ट ने, उसने बोला था यार हमें इतनी टेंशन ही क्यों लेनी है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। करेक्ट है, अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक काम करो ना, ये सन है ये अर्थ है। ठीक है, तो सन से जितनी सनलाइट आ रही है इसके जगह मिरर, मतलब बड़ा ही वियर्ड सा आइडिया था कि आप स्पेस में एक मिरर लगा दो, जाइंट मिरर। वो जाइंट मिरर क्या करेगा, मिरर से तो रिफ्लेक्शन होता है, तो जैसी सनलाइट टकराएगी वैसे ही मिरर उसको वापस भेज देगा। पर इससे मुझे बताओ कि सनलाइट जो है वो तो स्रोत है ना कितनी सारी चीज़ों का, सनलाइट से ही डे एंड नाइट डिसाइड हो रहा है, सनलाइट से ही हम देख रहे हैं कितनी सारी बायोलॉजिकल साइकिल्स जो है वो रिलेटेड है, हमारी डे एंड नाइट साइकिल, हमारी खुद की जागने उठने की साइकिल। तो ऑब्वियसली थोड़ा विचित्र सा आइडिया था, बट ठीक है ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे यहाँ पे ये जो अपना स्ट्रेटोस्फेरिक वाला एरोसोल इंजेक्शन वाला चीज़ है वो कैसे काम करेगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। बाकी मैंने आपको इसका जो बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो बोल रहा है एज पर द लॉ द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, दूसरा पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बिफोर आप मूव करो, पहले तो प्लीज मैं ये मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट इसको ना अंडरलाइन कर लिया करो, या तो अंडरलाइन कर लो या सर्कल मार लो, क्योंकि अगर ये भूल गए ना तो आंसर पूरा गड़बड़ा जाएगा, और ये बहुत बच्चों के साथ होता है। तो हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि आंसर आते हुए भी गलत करके आ रहे क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, ये बात कर रहा है एक चीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं कैंपा। ठीक है, तो कैंपा जो था ना ये एक्ट आया था 2016 में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैंपा जो था वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ऐसे एक फंड एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके बाद कैग की रिपोर्ट आई थी, CAG की रिपोर्ट आई थी, जिसने कहा था कि कैंपा में जो फंड है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इस वजह से आप देखोगे फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डायरेक्शन दिए थे कि हाँ एक अथॉरिटी बनाई जाए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरकार ने फिर ये एक्ट पास किया था, कैंपा एक्ट 2016 का, जिसके अंदर आप देखोगे इसमें तीन चीजें थी। इसमें बेसिकली बिल्कुल इसको आप देखोगे तीन जगह बांटा गया था, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नेशनल लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। सिमिलरली आप वहीं यहाँ पे देखोगे एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया था नेशनल लेवल वाला। ठीक है, सिमिलरली स्टेट लेवल पे वापस से आप देखोगे एक स्टेट लेवल पे भी एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई थी, और स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया था। ठीक है, और ये याद रखना जो एफॉरेस्टेशन फंड्स हैं ये ये जो अपना कॉम्पोजिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है इसका पार्ट नहीं है, बल्कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी पैसा आता है उसमें से 90% जो होता है स्टेट में आता है, सिर्फ 10% जो होता है वो सेंटर के पास रहता है। ठीक है, और ये जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है देखने की, फंड को मैनेज करने की, इसमें से देखने की पैसा कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए और ये सब। ठीक है,
तो ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बेसिक से समझा दिया कि इसमें होता क्या है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है कि कंपनसेटरी इफॉरेस्टेशन फंड एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी वो नेशनल लेवल पे भी एग्जिस्ट करेगी और स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमें इतना पता है कि स्टेटमेंट वन तो राइट है, तो बी ऑप्शन भी चला गया और डी ऑप्शन भी चला गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी था इस प्रोग्राम में, जो हम देख रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया था, सॉरी, जो जिस एक्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है ये किसके लिए बनाया गया था। पहले तो मुझे बताओ ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लाया क्यों गया था, क्योंकि आपको दिख रहा था कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो फॉरेस्ट को कहीं और जाके उगा नहीं रही है, मतलब वो रीग्रो नहीं हो रहा है। तो आप एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू ना तो आप उसके पैसे दे रहे हो और ना ही उसको उसको ग्रो करने का कोई इंटेंशन कर रहे हो। तो आपने सोचा कि मैं एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन नाम की कई चीज़ चलाऊंगा, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा एक सर्टेन फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसी की विसिनिटी में उसको फॉरेस्ट उगाने पड़ेंगे डबल द एरिया में। ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी के, और उसको वैल्यू भी देनी पड़ेगी। जो अगर वो पेड़ अगर 50 साल जीता तो उसकी क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होती, क्या सर्विसेज देता, तो वो सब सोच के हम उसको एक अमाउंट देंगे जो उसको पे करना पड़ेगा, जो इस फंड में जाएगा। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ कि आप बोल सकते हो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि तो कंपनी से रिलेटेड है। और अगर लोगों से रिलेटेड होता भी तो भी मुझे बताओ कि ऐसी चीजें जहां पे आपको पैसे देने हैं, आप मुझे बताओ, आपने टैक्स देना तो मैंडेटरी किया नहीं, उसको तो आपने फंडामेंटल ड्यूटी में भी नहीं डाला, तो फिर आप इसमें मैंडेटरी कैसे कर सकते हो? इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होगा, आपको हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हुआ होगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है या नहीं है। आप इतनी सी बात सोचोगे यार पैसे देने की बात है, लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब पैसा देने की बात, अगर पैसा देना हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बना सकते तो हम इसको एक्ट में कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करने की टेक्निक थी। तो देख लो, ये जो बिल की बात कर रहा है इसने वही था कि नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया था पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर, और स्टेट वाला बनाया था स्टेट पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है, अभी जो फंड्स थे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है, एक तो एफॉरेस्टेशन करने के पैसे डाले जाते हैं, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उस फॉरेस्ट की, कि अगर वो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता तो कितनी बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल सर्विसेज देता, वो सब इसमें कैलकुलेट किया जाता है। और अगर कुछ स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट पेमेंट्स हो सकते हैं वो सब नेशनल फंड में 10% ही जाता है और स्टेट फंड में 90% जाता है। अभी जो फंड्स हैं ये बेसिकली आप देखोगे प्राइमरीली एफॉरेस्टेशन पे खर्चे जाते हैं, ताकि आप कंपनसेट कर सको जो लॉस हुआ है हमारे फॉरेस्ट कवर का, उसके लिए आप नई जगह पे रीजनरेट कर सको उसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को बनाने के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें आप देखोगे प्लानिंग अथॉरिटीज वगैरह भी बनाई गई थी ताकि आप इन फंड्स को मैनेज कर सको, और पीपल का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली मैंडेटरी नहीं है। अब आप ये देख लो कि इसमें मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारा जो पैसा था वो अटका पड़ा था, लेकिन वो यूज़ नहीं रहा था। 42,000 करोड़ था ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो कि जो हमारे पास पैसा पड़ा था जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको देख यहाँ पे आपको हमने एक स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करी है कि फंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, जैसे फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए, फॉरेस्ट को रीजनरेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसी के अराउंड। और आपने ये बता रखा है कि कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि फंड्स हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फंड्स हैं। तो यहाँ पता है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताओ अगर आपने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी है जो लेटेस्ट वाली आई है, उसमें उसने बताता है कि मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, ये ऐसे कुछ, और फिर उसके बाद थोड़ी और स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह की, उड़ीसा वगैरह, जहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका परसेंटेज है फॉरेस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ फॉरेस्ट हैं, ओके, और ये एरियाज मिनरल रिच एरियाज भी हैं, तो आप मुझे बताओ आप पेड़ क्यों काटोगे? ऑब्वियसली अपने रहने के लिए तो काट नहीं रहे, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि आपको पूरे जंगल काटने पड़े। जनरली जब पेड़ काटे जाते हैं तो मोस्ट उसका रीज़न यही रहता है कि आपको इंडस्ट्री करनी है, आपको वहाँ पर माइनिंग करनी है, क्वारिंग करनी है, या आपको कोई मिनरल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। इसलिए आप देखोगे कि मोस्टली इसमें जो स्टेट सबसे पहले नंबर पे आएंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा फंड्स हैं, वो वही स्टेट्स जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे राजस्थान लिखा होता ना तो आप आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देते, समझ में आ रहा, ऑप्शन में, क्योंकि राजस्थान हो ही नहीं सकता। तो उड़ीसा है आप सबसे ज्यादा, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे आप 5,000 करोड़ बाकी है, फिर छत्तीसगढ़ है 3,000 करोड़ के साथ, मध्य प्रदेश है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के साथ, फिर झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि उड़ीसा वगैरह जो है वहाँ पे हाइएस्ट पैसे है। फिर आएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 द फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। ओके, सेकंड है एज पर द स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एंड थर्ड बोल रहा है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ये एक्ट है, इट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है।
मैं अगर आपको ये बोलूँ ना तो ये क्वेश्चन लिटिल डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट लॉज के बारे में। अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है ना, इनकी जो लॉज की शुरुआत है ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने डॉक्टर ब्रांडिस को हमारे यहाँ पे बुलाया था, ठीक है, जो जर्मनी के एक बहुत ही फेमस आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट मैनेजर और साइंटिस्ट टाइप थे। और उन्होंने ही आके आप देखोगे कहीं ना कहीं जो होता है ना मैनेज फॉरेस्ट की शुरुआत करी थी इंडिया में। और ब्रिटिशर्स को क्या जरूरत थी फॉरेस्ट मैनेज करने की, क्योंकि उनको चाहिए था टीक, ठीक है। और उस समय उनके पास दो कंट्रीज थे, इंडिया भी और बर्मा भी। ऐसा ऐसा बोला जाता था कि बर्मा का टीक जो ज़्यादा बेटर है हमारे से क्वालिटी में, लेकिन दोनों भी टीक का जो या तो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आएगा या उधर बाहर भेजने के लिए काम आएगा, रेलवे ट्रैक डालने के लिए काम आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि उनको टीक चाहिए था, ठीक है। इसलिए उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को मैनेज करना शुरू करा। अब जब फॉरेस्ट को मैनेज करना शुरू करोगे तो उसके लिए एक्ट्स पास करोगे, तो इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो होती है फॉरेस्ट पॉलिसी और दूसरा होता है फॉरेस्ट एक्ट। क्या क्या है? एक है फॉरेस्ट पॉलिसी और दूसरा है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट जो है, फॉरेस्ट पॉलिसीज अगर आप देखोगे तो एक तो आई थी 1890s के आसपास, है ना। फिर दूसरी जो आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी आएगी वो इंडिपेंडेंस के बाद आती है, आई थिंक 1952 और समथिंग। फिर तीसरी आती है 1988 और एक 2018 वाली जो अभी भी ड्राफ्ट है, ठीक है, तो अभी तक आई नहीं है। अब तो इसलिए ऐसा बोलते हैं जो 2018 की जो पॉलिसी है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंस की बात की थर्ड पॉलिसी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल वो फोर्थ पॉलिसी है, ठीक है, अगर प्री इंडिपेंडेंस भी इंक्लूड किया जाए तो। और जो फॉरेस्ट एक्ट है वो आप देखोगे आ जाएगा आपका 1927, और उसके बाद आप देखोगे आपका फॉरेस्ट एक्ट आएगा 1980 का, जिसमें आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करते हो। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आएगा 2006 का। ये एक्चुअली फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो जनरली जो फॉरेस्ट पॉलिसीज और ये वाले जो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह थे, ये दोनों जो ये जो आते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं, लेकिन जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ट्रेडिशनल सेंस में अगर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट एक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कब पॉलिसी आई थी और कब एक्ट आई थी, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुत बहुत बेसिक। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सबसे पहले तो आपको बता होना चाहिए कि ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था ये वही एक्ट है जिसने हमारे जो हमारे फॉरेस्ट लैंड थे उनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक थे रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरे थे विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। ये रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था, कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं थी अंटिल वहाँ पे स्पेसिफिकली आपने परमिशन ली हो, ठीक है। ये इसलिए था, सपोज अगर कोई बहुत अच्छा आपके पास टीक का कोई फॉरेस्ट एरिया है तो ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि वहाँ के जो इवन ट्रेडिशनल ड्वेलर्स है जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के शेड्यूल ट्राइब्स है, वो भी इसमें आवाजाही कर सके, वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट करें। तो इन्होंने पूरी रोकथाम कर दी। इवन वहाँ पे घास चराने कैटल ग्रेजिंग की परमिशन भी नहीं थी अंटिल आप वहाँ से लिखवा के परमिशन लेके आते। प्रोटेक्टेड में ऑब्वियसली आपका एंट्री वेंट्री अलाउड था, थोड़ा ग्रेजिंग ग्रेजिंग कर सकते थे, अब वहाँ से थोड़ा सामान लेके आ सकते थे, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, टिम्बर नहीं ले सकते थे, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते थे, जिसका मतलब है इसमें सारी एक्टिविटीज अलाउड थी अंटिल यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि आपको नहीं करना है। और विलेज फॉरेस्ट होते जो बेसिकली विलेजेस के ही फॉरेस्ट थे और यहाँ पे इनका ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। तो ये तो था एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और दूसरी चीज है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, उसने बेसिकली क्या किया था, उसने है ना बैम्बू को बेसिकली ट्री का दर्जा दिया था। बैम्बू अगर आप देखोगे तो टेक्सोनॉमिकली वो एक ग्रास है, ठीक है, वो ग्रास की स्पीशीज में आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे बैम्बू को उन्होंने ट्री बोला था। तो इस वजह से क्या होता है, इंडिया में आप देखोगे ट्री फेलिंग जो है ना उसको लेके काफी स्ट्रिक्ट लॉज है। तो इसलिए क्योंकि बैम्बू एक ट्री था, आप उसको इजिली फेल नहीं कर सकते, आप इधर से उधर ले जा नहीं सकते, उसको आपको परमिशन चाहिए होती है इवन इंट्रास्टेट या इंट्रास्टेट मूवमेंट की, तो ये सब प्रॉब्लम थे। लेकिन अगर जैसे आपने बैम्बू को ग्रास बना दिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो रिसेंट अमेंडमेंट था ये अभी हुआ था, जो अपना बैम्बू वाला अमेंडमेंट। तो अब आप देखो ये क्या बोल रहा है, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में, वो बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका जो राइट था कि वो बैम्बू को गिरा सकते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, क्या ये सही है या गलत? आंसर है बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उसमें इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें साफ बात करी है दो एरियाज की, एक है फॉरेस्ट एरियाज और एक है नॉन फॉरेस्ट एरियाज। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो फॉरेस्ट एरियाज में बैम्बू ग्रो हो रहा है वो अभी भी क्या कहलाएगा, ट्री, समझ में आ गया। और जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में बैम्बू ग्रो हो रहा है वो हो जाएगा ग्रास, ठीक है। तो जो नॉन फॉरेस्ट एरिया में, अगर मुझे बताओ कि कोई फॉरेस्ट नहीं है, बैम्बू का कोई फॉरेस्ट नहीं है, ऐसे घर के पास है, आपके घर के पास ऐसी कोई छोटी सी जगह है जहाँ पे बैम्बू उग रहा है, लेकिन वो फॉरेस्ट में क्लासिफाई नहीं होता। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है हमारे यहाँ, जो 1 हेक्टेयर से बड़ा हो लैंड साइज और जिसका बेसिकली 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी हो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हमें कहाँ मिलेगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें मिलेगा।
कितना साइज होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 10% कैनोपी डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ही वो फॉरेस्ट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें आपने देखा कि जो बैम्बू है वो अभी भी ट्री है, जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे उसको ग्रास बना दिया है। तो नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई बैम्बू है तो वो आसानी से आप उसको गिरा सकते हो, अगर फॉरेस्ट एरिया में कोई बैम्बू है तो उसको आप गिरा नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो अगर आप देखोगे उनको राइट मिल गया है कि वो बैम्बू को फॉरेस्ट एरिया में गिरा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गई, ये वाली भी, लास्ट वाली भी, आपकी डी वाली भी गई। अब आपको इतना तो पता लग रहा है यहाँ से 3 स्टेटमेंट तो राइट है, एक बार 3 पढ़ी लो। ये बोल रहा है जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ देयर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये अलाउ करता है ओनरशिप के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। आंसर है राइट ना, इतना बड़ा एक्ट निकाला है तो आपको सबसे पहले तो इस एक्ट के प्रोविजन पता होना चाहिए। पता है आपसे एक बार यूपीएससी ने 2017 की बात है, मेंस का क्वेश्चन आया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कोई 2 इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन बताओ। और पता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो उस टाइम रिसेंटली आए थे जो आप लिख सकते थे, वो थे आपके एक तो ये शेड्यूल कास्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, ठीक है, जिसका अमेंडमेंट हुआ था उस साल, या फिर आप लिख सकते थे बेसिकली ये वाला एक्ट अपना जो ये शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, अपना ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, ठीक है, या फिर एक ये वाला भी आया था लैंड सेटलमेंट रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट वाला जो 2013 में आया था। ठीक है, तो अभी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये इसको है ना, पता है क्या बोलते हैं, इसको लैंडमार्क बोलते हैं इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था ना हमारे शेड्यूल ट्राइब्स पे, हमारे उन कम्युनिटीज पे जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहती है, उस इनजस्टिस को खत्म किया है। अब इस एक्ट के थोड़े बहुत प्रोविजन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि स्टेटमेंट राइट क्यों है। ठीक है, तो इस एक्ट ने क्या करा है, इस एक्ट ने सबसे पहले तो एक कट ऑफ डेट बोल दिया। इस एक्ट ने क्या बोला है कि अगर आप 13 दिसंबर 2005 से वहां पे रहते हो, ठीक है, और आप 75 साल से वहां रह रहे हो या आप 3 जनरेशन से वहां रह रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको इसमें इस एक्ट के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के हिसाब से आपको सर्टेन राइट दिए जाएंगे। पहला आपको इंडिविजुअल राइट होगा कि आप वहाँ रह सकते हो और वहाँ के रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। कम्युनिटी राइट है आपको कि आप वहाँ पे रह के वहाँ के बेसिकली वहाँ के फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है कि आप ये जो आपका जो मैक्सिमम लैंड साइज होल्डिंग आपको दिया जाएगा वो 4 हेक्टेयर्स का होगा, और ये जो लैंड साइज होल्डिंग है ये आप किसी को बेच नहीं सकते, किसी को लीज पे नहीं दे सकते, बस बस अपने पर पोतो पोतो वगैरह को, आप पर पोतो पोती किसी को भी बेसिकली आप इनहेरिटेंस में दे सकते हो, लेकिन इसको बेच बेच नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स मिल रहे हैं, कम्युनिटी राइट्स मिल रहे हैं, आपको लैंड यूज राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस राइट्स मिल रहे हैं और काफी सारे राइट्स मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको ओनरशिप मिलेगी यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नॉन टिम्बर मतलब आपको पेड़ का जो टिम्बर होता है वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो आपको पेड़ से मिल रहा है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो उसका वैक्स हो, चाहे वो उसका हनी हो, चाहे वो मतलब और कोई भी चीज़ हो, फ्रूट हो, फल हो, तो ये सब आप बेसिकली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर लोगे। तो क्या इस पे कम्युनिटी का हक है, हाँ है ना, क्योंकि आपने उनको राइट दिया है कि आप वहाँ पे रह सकते हो, उनके रिसोर्सेज यूज कर सकते हो जो नॉन टिम्बर है, उसका मतलब थर्ड तो राइट है। अब आप आ जाओ अपने सेकंड स्टेटमेंट पे, और यही डिसाइड करेगा कि क्या आंसर बी है या आंसर सी है। तो ये बोल रहा है एज पर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है, क्या बैम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है? इसमें एक्चुअली आई थिंक एक गलती है, ये हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप देखो कि बैम्बू जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूड किया गया, नहीं तो आप क्या होगा, नहीं तो फिर तो आप बैम्बू वहाँ पे यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे आप एक बार ये वाला चीज़ पढ़ लो कि जो पार्लियामेंट है उसने एक अमेंडमेंट पास किया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, ताकि आप रिमूव कर सको बैम्बू प्लांट को जो नॉन फॉरेस्ट लैंड में उग रहा था फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्री। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि ये जो होगा ये बेनिफिट करेगा ट्राइबल्स को और दूसरे डिवेलप कम्युनिटीज को जो फॉरेस्ट के इन अराउंड रहती है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करती है। अब इस अमेंडमेंट ने कन्वर्ट कर दिया था बेसिकली इस लॉ को, मतलब इस बिल को इस लॉ में, एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि लोग अब जो बैम्बू है उसको फॉरेस्ट एरियाज में इंजॉय कर सकते हैं, राइट टू फेल बैम्बूज इन दी फॉरेस्ट एरियाज। ओके, सेक्शन 2 बोल रहा है ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है प्लांट ओरिजिन का, जिसमें आपका बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्स, केन्स, टसर, कोकून, हनी, वैक्सेस, लैक, तेंदू, केंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, मतलब सोचो कि हमें एक पेड़ से कितना कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हो जाएंगी ये आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आएंगी। ठीक है, अभी जो एक्ट है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 2007 में आया था, ये एक्ट जो होता है रिकोगनाइज करता है एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो होते हैं उनके राइट्स को, और उसका जो कट ऑफ डेट है आपको याद होना चाहिए 13 दिसंबर 2005, जिसमें आप कम्युनिटी को फॉरेस्ट राइट्स दे सकते हो ताकि वो मैनेज करे, प्रोटेक्ट करे और रीजनरेट कर सके फॉरेस्ट को। ठीक है, डिस्पोज कर सके, ओन कर सके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फ्रॉम द फॉरेस्ट जहाँ पे उनका ट्रेडिशनल एक्सेस रहा है। ठीक है,
इसमें राइट टू ओनरशिप है, एक्सेस टू कलेक्ट यूज एंड डिस्पोज है, ठीक है, और इंडिविजुअल कम्युनिटीज जो होती हैं, ग्राम सभा जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता कैसे लगेगा कि कट ऑफ डेट के पहले कौन सी कम्युनिटीज रह रही है, तो उसके लिए आप देखोगे जो एप्लीकेशन डाली जाती है वो ग्राम सभा में डाली जाती है, उसके बाद फिर वो हम देख रहे हैं कि लेयर्स के थ्रू जाती है और फाइनली आपको परमिशन मिलती है, ठीक है। तो ग्राम सभा के यहाँ पे इंपॉर्टेंट राइट्स आपको पता रखे हैं। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये 2019 वाला, ये आप देखोगे कि एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी गई है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, जहाँ पे ये जो लेजिस्लेशन है ये इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को थोड़ा ज़्यादा पावर देना चाहता है ताकि वो फॉरेस्ट को ढंग से मैनेज कर सके, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनको पावरफुल बना सके ताकि जो फॉरेस्ट का आप देखोगे इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो सब रोका जा सके। तो इसमें क्या होगा, जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं प्रिवेंट करेंगे, मतलब या इंटरफेयर नहीं होने देंगे जो हम देख रहे हैं ना कि फॉरेस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड के लिए, और कोई भी पर्सन फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह जो होगा वो बेसिकली विड्रॉ नहीं कर सकता फॉरेस्ट ऑफेंसेस का केस, है ना। इसमें आप देखोगे नए तरीके की सेस की बात भी करी गई थी, जिसमें आप फॉरेस्ट डेवलपमेंट सेस की बात करें तो 10% होगा जो वैल्यू असेस की जाएगी माइनिंग प्रोडक्ट्स पे जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फॉरेस्ट को काट के, इसका मतलब आपको उस पर सेस लगाया जाएगा ताकि उससे हम देख रहे सरकार का कोष बढ़ सके। क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है तो इसका अभी तक यूपीएससी द्वारा जो जारी किया जाता है आंसर की वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, लेकिन जब जहाँ तक हमने बेयर एक्ट पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप हमेशा देखोगे यूपीएससी के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंटेस्टेड रहते हैं, किसी का उसमें 2 आंसर के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ जो कन्फ्यूजन है मैक्सिमम वो था बी और डी के बीच में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, अब आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा या डी होगा, कंसिडरिंग हम किस एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अमेंडमेंट की, ठीक है। प्लीज़ अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि एनीवेज आपको जो राइट आंसर है इसका करेक्ट आंसर एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको बेसब पता लगेगा जब यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आप देखिए कि क्या आपका आंसर राइट निकलता है या रॉन्ग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2019 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करने के लिए, पहला कि स्टेट कर दे वो रिक्वायरमेंट क्या है पब्लिक पार्टिसिपेशन की प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट, एंड दूसरा कि आप ले डाउन कर सको स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन, ठीक है, या डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अब आप मुझे बताओ सबसे पहले तो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसका मतलब है ये एनवायरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, अभी एनवायरमेंट की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हमारे पास एनवायरमेंट रिलेटेड कितने ये हैं, मतलब लॉज हैं। आप मुझे बताओ कि एनवायरमेंट में क्या क्या आता है, एनवायरमेंट में एक तो आपके पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज आ जाएंगे, एक आपके एयर रिलेटेड लॉज आ जाएंगे, एक आपके वाटर रिलेटेड लॉज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो हमारे एयर रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक एयर प्रिवेंशन वो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन वाला एक्ट है, वैसे हमारे पास वाटर भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन वाला एक्ट है, और इनके सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स भी हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड आप देखोगे हमारे पास एक तो वो हजार्डस वेस्ट वाला एक्ट है, एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वाले हैं, वैसे हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, वैसे हमारे पास आप देखोगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ठीक है। तो आप देखो वैसे हमारे पास एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारे हमने रूल्स बना रखे हैं, और ये जो रूल्स होंगे ये कहीं ना कहीं हमें पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे जो इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, क्योंकि ये भी लेजिस्लेशन है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मैं आपको बोलूँ कि हम जो ये इको सेंसिटिव जोन्स निकालते हैं ये कौन से एक्ट के अंदर निकालते हैं, इसके अंदर, अगर हम अपने कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के जो वो हैं वो रूल्स के अलावा अगर हम देख रहे हैं उनको कहाँ से सैंक्शन मिलेगा तो वो यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसे लेजिस्लेशन हैं, इवन जो आई थिंक शायद मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह को होता है वो भी कई बार क्या होता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर नोटिफाई कर दिए जाते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आप उनको स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, देखो ये जो हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अब इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि हम आपके साथ सिर्फ आंसर डिस्कस करके चले जाएं, और दूसरा है कि हमारे पास जितनी नॉलेज है हम आपको वो तो दे ही दें, और साथ में आपको ये भी बता दें कि इसमें आप कैसे अप्रोच कर सकते थे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब आप देखोगे
कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है पब्लिक पार्टिसिपेशन की इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर्स एंड मैनर इन विच इट सॉल्व। मुझे बताओ, आपको लगता है कि इंडिया का कोई भी एक्ट इतना स्पेसिफिक है कि बताएगा कि भाई कितना पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, कितने लेवल पे चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा और कैसे उसको लिया जाएगा? भैया इतना तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में ही लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी नहीं लिखा है। तो हमेशा याद रखना, एक प्लान और एक्ट में फर्क होता है। एक्ट क्या होता है, बहुत ब्रॉड होता है, तो उसमें आप एग्जैक्ट चीजें नहीं लिख सकते कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। उसमें आप एक ब्रॉड कॉन्टूर बनाते हो, फिर उसके हिसाब से आप बोलते हो कि ठीक है पॉलिसी बना दी जाएगी, एक एक्ट बना दी जाएगी, सॉरी एक पॉलिसी बना दी जाएगी, एक एक्ट बना दी एक्ट सॉरी एक्ट नहीं, उसकी जगह एक प्लान बना दिया जाएगा जिसमें आप उसमें और ज्यादा डिटेल लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये तो गलत ही लग रहा है, मतलब ये तो बहुत ही होता है ना, ओवर स्टेटमेंट लग रहा है कि ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। नहीं, इतना है, इतने इतने आपको भी पता है हमको भी पता है कि हमारे यहाँ के जो एक्ट्स होते हैं उसमें इतना स्पेसिफिसिटी नहीं दिया जा सकता। फिर आप दूसरा स्टेटमेंट पे आ जाओ, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टेटमेंट ए है वो तो हो गया गलत। अब आप आ जाओ बी वाले पे, कि इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। भाई जितने भी पॉल्यूशन है उसको तो कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स आपको यहीं से देने पड़ेंगे ना, तो ये तो बराबर लग रहा है, क्योंकि इसका काम ही यही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, कि एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाना है, तो ऑब्वियसली आपको एमिशन और डिस्चार्ज के स्टैंडर्ड्स तो देने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट राइट है, इसका आंसर होना चाहिए बी। तो ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका बी। तो आप देख लो यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आप याद रखना जो हमारी ईपीसीए की अथॉरिटी ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाती है दिल्ली का, वो इसी के अंदर बनाई गई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1996 का, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सके ताकि आप प्रिवेंट कर सको और कंट्रोल कर सको पोल्यूशन को, और एस्टैब्लिश कर सको एक इफेक्टिव मशीनरी ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको, इम्प्रूव कर सको क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो आप प्रिवेंट कर सको और अबेट कर सको पोल्यूशन। तो देख लो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक्ट जो है वो साफ साफ बोलती है सेंटर को कि आप और मेजर्स भी ले सकते हो जो इनको नेसेसरी लगता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसी के जरिए आपने देखा होगा कि उसने अपने आप को काफी ज्यादा पावर दे रखी है कि कोऑर्डिनेशन करना है इसको स्टेट के साथ, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना है नेशन वाइड प्रोग्राम्स का। ठीक है, उसको बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब ले डाउन करने हैं एनवायरमेंट के जो भी हैं, और आप देखोगे कि जो डिस्चार्ज है पॉल्यूटेंट्स वगैरह का वो भी वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, और एक्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली बोलती है कि आप कोई डिस्चार्ज नहीं कर सकते एनवायरमेंट पॉल्यूशन को एक्सेस में, ठीक है, जितना आपको प्रिस्क्राइब किया गया। तो इसलिए आप देखोगे जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, आप देखोगे उनके जो चिमनी स्टैक्स होते हैं उसके बाद हर मतलब अगर आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में गए हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे आप देखोगे वो लोग पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना उस दिन जितने निकले होते हैं वो सबका आपको वो मैट्रिक्स दे रहे होते हैं। तो ये क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है उनको एक सर्टेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही उनको बताया जाता है कि आप इससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते, तो आपको अपने यहाँ बताना पड़ेगा कि आप कितना एमिट कर रहे हो। ठीक है, वहीं आप देखोगे थोड़े आपने प्रोहिबिशन लगा रखे हैं वो हैजार्डस वेस्ट की हैंडलिंग पे, और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हैजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल करने का हमारा जो कन्वेंशन है वो कौन सा है, बेसल। ओके, फिर आप देखोगे जो एक्ट है ये पेनल्टीज वगैरह भी बताता है कि जो मिलेंगी, और इसमें ये भी बोल रखा है कि अगर जो फेलियर हो जाएगा या मतलब तो आपको पनिशमेंट मिलेगा कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, सीधे पनिशमेंट होगा। इसमें प्रेजेंट टर्म भी हो सकता है 5 साल तक का, या फाइन भी हो सकता है 1 लाख तक का। ठीक है, और इसमें एडिशनल फाइन भी लगाया जा सकता है कि अगर आप बदतमीज हो और बस पॉल्यूशन डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि फिर इम्प्रिजनमेंट, अगर आप फिर भी नहीं सुने तो फिर इम्प्रिजनमेंट आपका बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर ये देख लो कि सेक्शन 19 जो है ये प्रोवाइड करता है कि मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज होती है उनके अलावा भी अगर आपको कंप्लेन करनी है कोर्ट के साथ तो आप कर सकते हो। और सिटीजन सूट जो होता है ना, ये प्रोविजन जो है ये बोलता है कि जो पर्सन है उसको नोटिस देना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर जब उसको लगता है कि पॉल्यूशन का जो पूरा मामला है सामने आया। मतलब अगर सपोज आपको लग रहा है कि आपके बाजू वाली जो फैक्ट्री है वो बस पॉल्यूशन एमिट किए जा रही है, तो अब जब उसने एमिट किया, अब ऐसा नहीं कि उसके 2-3 साल बाद आप सोच साच के फिर आप पहुंचे कोर्ट के पास, तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर जाके अपनी अपील लगानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ सेलियंट फीचर्स लिख रखे हैं एक्ट के। और हमारी जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको भी काफी ज्यादा पावर्स जो है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर से ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, और हमेशा याद रखना जो हमारे जो ये एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज है ना, वहाँ पे आप देखोगे जो लोकल स्टैंड आई का रूल है, लोकल स्टैंड आई मतलब जो कंप्लेन कर रहा है उसी को प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट में, ये वाले रूल जो होते हैं जनरली वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो एनवायरमेंट वाली चीज़ें होती है वो किसी एक बंदे को प्रॉब्लम नहीं करती, हो सकता है किसी दूर दराज बैठे वाले बंदे को भी कर सके, और जो उनके पास बंदे बैठे जो बंदे हैं उनको एहसास भी ना हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वो बहुत नाइव हो, गांव में रहने वाले लोगों को पता नहीं हो कि फैक्ट्री क्या करने की कोशिश कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जनरली लोकल स्टैंड आई का रूल नहीं एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
तो ये तो था इस एक्ट के बारे में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन इंडिया ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंपॉर्टेंट फीचर किस एक्ट का, बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट का, रिसाइकल प्लास्टिक रूल्स का, ई वेस्ट रूल्स का, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन का। अब अगर आपने ये, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपने लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स पढ़े भी हैं तो, ठीक है, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने पढ़ लिए होंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 32nd डे पे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर है किसी भी चीज़ का, उसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के आगे भी जाती है। मतलब जो पोस्ट आप बोलते हो ना, डाउन स्ट्रीम जो एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट बनने के बाद वाली, उसमें भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोड्यूसर की, आप एक्सटेंड करती है, ये आपने पर्टिकुलर जो रूल है किस किसके अंदर डाला हुआ है। तो ये जो है, पता है इसका आंसर है ना, यहाँ पे ये वाला है, क्या है आपका, ई वेस्ट रूल्स है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि 2011 में आप देखोगे कि हमारा जो ये ई वेस्ट रूल्स आए थे, इसके अंदर आप देखोगे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जैसे बहुत सारी कंपनीज हो गई जो हार्ड ड्राइव बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बना रही हैं, टैबलेट्स बना रही हैं, ये क्या करती है, कंप्यूटर टैबलेट्स बना तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद इनकी रिसाइकलिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब जो चीज़ें रिसाइकिल हो भी सकती थी, कंप्यूटर में से चिप निकाल सकते हो, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वायर वगैरह होती है वो एक्सट्रैक्ट करके वापस लगाए जा सकते हैं, जो पेचकस होते हैं वो सब लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपने कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्ट बनाने तक है। तो ये, और आपको ये पता है कि ई वेस्ट जो होता है बड़ा हार्मफुल होता है ना, इसमें कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं, कितने सारे आप देखोगे बिस्फेनॉल्स वगैरह होते हैं, इसमें से लीचिंग हो सकती है एसिड की, सॉलिड पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा आप देखोगे मोस्ट जो रिसाइकलिंग होती है वो हमारी इन्फॉर्मल इंडस्ट्री में हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप इंसेंटिव भी नहीं है कि आप उस वेस्ट को हैंडल करो। तो ये सब देखते हुए आप देखोगे 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए थे, जिसके अंदर बोला गया था कि अब जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने तक की नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के आगे तक की भी है, ठीक है। तो आप देखोगे ये, अब इसका आंसर है सी, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स। तो इसमें आप देखोगे, मैंने आपको पहले बता दिया है कि पॉल्यूशन से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। अंडर लो बहुत स्पेसिफिकली कोई रिवर से डील कर रही हो जैसे गंगा रिजुविनेशन, तो फिर वो उस वाली मिनिस्ट्री में जाएगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है, उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे 2016 में, उनको अमेंड किया था, बेसिकली नोटिफाई किया था, जो कि 2011 के रूल्स को सुपरसीड करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावेदकर, जो पिछली बार भी थे और इस साल भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो नॉर्म्स हैं ये मोस्ट स्ट्रिंजेंट बनाए गए हैं ताकि वो लोग गवर्नमेंट का कमिटमेंट दिखा सके, जो हमने एनवायरनमेंट के प्रति अपने कमिटमेंट बना रखे हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जो ई वेस्ट रूल्स हैं, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, प्रीलिम्स का पूछा जा सकता है कि ई वेस्ट के अंदर आपके CFL बल्ब भी आएंगे, जो आपके कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बल्ब होते हैं ना, और जो मर्क्यूरी कंटेनिंग लैम्प्स होते हैं, ये सब भी आप देखोगे ई वेस्ट के अंदर ले लिए गए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है, इसमें फर्स्ट टाइम आप देखोगे रूल्स जो है उसके अंदर EPR की प्रोविजन आई थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि बेसिकली जो कलेक्शन है और उसका एक्सचेंज करना, ये अभी बेसिकली प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके ई वेस्ट रूल्स, ये बेसिकली आप देखोगे पैन इंडिया ऑथराइजेशन मिल गया था इसको, ठीक है। और ये जो MSCs वगैरह थी वो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड थी, जो कि मेजर सोर्स ऑफ जनरेशन होती है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम थोड़े चैलेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉन्स क्या थे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के, कि भाई MSMEs पे एप्लीकेबल नहीं था, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग मैकेनिज्म कुछ था नहीं उसमें, पैन इंडिया था लेकिन आप देखोगे मल्टीपल SPCPs हैं, फिर कलेक्शन सेंटर्स तो हम देख रहे हैं कि पे ऑथराइजेशन का पार्ट ही नहीं थे, है ना, बल्क कंज्यूमर्स पे कोई रेगुलेशन नहीं लगाया गया था, तो मतलब बल्क कंज्यूमर मतलब जैसे आपके IT कंपनीज वगैरह होगी, तो वहाँ आप तो आपको स्पेशली डील करना चाहिए ना, बिकॉज वहाँ पे जो आप वो लोग इतना ई वेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट अमाउंट का है वर्सेस जो हाउस होल्ड लेवल पे यूज हो रहा होगा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है जितना आपका पहले वाला स्लाइड था, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7, कि जो पार्टनरशिप है फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, ठीक है, क्या है ये पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये एक UN का मैकेनिज्म है ताकि आप कंट्रीज को असिस्ट कर सको ट्रांजिशन करने में टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे आया था और कब आया था। तो अब पता है ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको सीधे सीधे बोल रही हूँ, ठीक है, बींग अ टीचर, बींग अ एजुकेटर, बींग अ फ्रेंड एंड बींग अ मेंटर, ऐसे क्वेश्चन अगर आपने नहीं सुने हैं और आपको पता भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, भैया मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपका दिमाग उस समय कैसा चल रहा है, हो सकता है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे अपने मॉक टेस्ट में दिए और आपको लग रहा है सही जा रहे हैं, ट्रस्ट मी तुक्का कभी भी गलत हो सकता है, तुक्का तुक्का होता है, एजुकेटेड गैस और तुक्के में फर्क होता है, तुक्का मारोगे 50-50% चांस रहता है, एजुकेटेड गैस में यही परसेंटेज आपकी 70-30 हो जाती है, 60-40 हो जाती है, ठीक है, सही से गलत होने की, ठीक है।
तो आप देखोगे ये जो पेज पार्टनरशिप है, अगर आपने पढ़ा है तो अटेम्प्ट करो, नहीं पढ़ा है तो आगे बढ़ जाओ, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि आपको, आप कितना ही जोर लगा लो, अगर आपने सुना ही नहीं है तो फिर कैसे पता लगेगा, ठीक है? अब इस, वैसे तो इसका आंसर है बी, ठीक है? ये जो पेज पार्टनरशिप बनाई गई थी, ये बेसिकली ये जो अपनी 2012 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वैसे भी आपको पढ़नी ही है क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। जैसे हमारी एक तो रियो जेनरो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम 1992 में बोलते हैं, जिसको हम अर्थ समिट बोलते हैं, उसके 10 साल बाद बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जोहानसबर्ग वाली समिट हुई थी, जिसमें हम जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड समिट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि +20 मतलब 20 साल होने के बाद रियो के 2012 में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वाली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो दी जेनेरो, यहाँ पे आप देखोगे पेज पार्टनरशिप पास होती है, ठीक है? तो पेज क्या है, बेसिकली 2013 में लॉन्च हुआ था रिस्पॉन्स टू रियो +20, ताकि आप सपोर्ट कर सको उन कंट्रीज को जो बेसिकली ग्रीनर और मोर, आप बोलते हो ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाना चाहती हैं, और असिस्ट कर सको उन कंट्रीज को ताकि वो अडॉप्ट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके ऐसे सोल्यूशन, जो ग्रीन इकोनॉमिक सोल्यूशन होते हैं ना, पॉलिसी जो स्ट्रैटेजीज, वो सब अडॉप्ट कर सके। देखो बोलना आसान है लेकिन उसको, मतलब आपको तरीका भी तो बताओगे ना, कि एक सपोज छोटी सी कंट्री है, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, वो बोल रही है कि मुझे ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना है और इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, तो भाई उसको किसी ना किसी अलग कंट्री की हेल्प लगेगी पॉलिसी बनाने में, डिजाइन बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, तो ये सब उसमें हेल्प करने वाला था पेज, ठीक है? अब पेज जो है वो एक्सपर्टीज देता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं जो 5 UN एजेंसीज हैं अपनी, ILO हो गई, UNEP हो गई, UNIDO हो गई, UNITAR हो गई, UNDP हो गई, ठीक है? ये इन सबको बेसिकली लेके इनसे, इनको मदद करेगा, ठीक है? और मतलब एक होलिस्टिक सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अब ये जो पेज है ना, ये बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रही हूँ कि अटेम्प्ट मत करना अगर सुना नहीं हो। अगर सुना है और आपको लगता है कि आप रिकॉल कर सकते हो, तो उसमें फिर कोई और तरीके का सिंबल बना देना, ऐसा बना देना, ऐसा बना देना, या फिर अटेम्प्ट अगेन करके लिख देना AA करके, लेकिन भैया अटेम्प्ट मत करना अगर नहीं सुना हो। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोल रहा है जो NPOP है, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये ऑपरेट किया जाता है अंडर द गाइडलाइंस एंड द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? फिर बोल रहा है कि द एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA फंक्शन करती है सेक्रेटेरिएट पे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। और तीसरा है कि सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि सिक्किम जो है वो फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, और आपको ये भी पता है कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट मतलब वही बन सकती है जो छोटी सी हो, क्योंकि अगर एक बड़ी स्टेट है तो वो नहीं बन सकती। ऑल दो आप देखोगे जो परसेंटेज है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, वो MP में सबसे ज्यादा है, मतलब MP में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन MP पहली, मतलब MP पूरा MP ऑर्गेनिक खेती के अंदर नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सिक्किम जो है वो एग्जाम्पल दिया जाता है, इवन वर्ल्ड अथॉरिटीज भी होती हैं, काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्किम का एग्जाम्पल देखे बोलते हैं कि कैसे एक स्टेट जो है वो चाहे तो खुद को फुली ऑर्गेनिक बना सकती है। तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है? तो अब ये ऑप्शन तो पहले ही गया, ठीक है? अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन पे या फर्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है? तो सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जो ये APEDA एजेंसी है, ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम करती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जब आप वो खेती कर रहे हो जिसमें आप कोई भी सिंथेटिक चीज यूज नहीं कर रहे हो, ना तो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो, ना सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, ना सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, ना सिंथेटिक वीडिसाइड यूज कर रहे हो, आप कुछ सिंथेटिक यूज नहीं कर रहे हो। आप काउडंग यूज करोगे, आप ग्रीन ग्रीन मेन्योर यूज करोगे, आप मल्चिंग यूज करोगे, कवर क्रॉप्स वगैरह यूज करोगे, और इन्हीं सब काउ यूरिन वगैरह यूज करोगे, ठीक है? तो इन सब चीजों को यूज करते ही आप बेसिकली फार्मिंग करोगे, ठीक है? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के आपको सर्टिफिकेशन के दो तरीके, एक तो होता है NPOP और दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, ठीक है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या होता है, कोई फॉर्मल तरीके का सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें क्या होता है, सपोज ये मेरा खेत है या आपका खेत है, आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो और आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके बाजू वाला फार्मर हूँ तो मैं आपको सर्टिफाई कर दूंगी कि हाँ, मतलब सर्टिफाई इन द सेंस मैं आपके लिए होता है ना वाउच कर दूंगी कि हाँ ये ऑर्गेनिक खेती करता है। अब इसमें क्या होता है, कोल्यूजन होने के चांसेस भी ज्यादा है, और इसलिए आप देखोगे जो PGS सिस्टम के जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, ये आप देखोगे हम जब यूरोप या ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती अगर वो PGS सर्टिफिकेट पे होता है। तो वहीं आप देखोगे NPOP जो होता है वो एक मोर फॉर्मल तरीका होता है बेसिकली सर्टिफिकेशन का, जो कि नेशनल प्रोग्राम है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आप है ना प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन ले सकते हो कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि एक है ना ये आता है जैविक करके, एक है ना आजकल लोगो चालू हुआ है कि अगर आपका खाना ऑर्गेनिक है तो उस पर जैविक का लोगो लगाएगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि जो ये NPOP है, ठीक है, अब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, आपको ये तो पता लग गया कि तरीके से सर्टिफिकेशन स्कीम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में।
अब जो ये पीजीएस वाला स्कीम है ना, ये बेसिकली कोई और मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और एनपीओपी वाला स्कीम किसी और मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अभी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, याद रखना इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता लगा कि पीजीएस काम नहीं कर रहा है, तो आपने सोचा कि मुझे कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनाना है जिससे मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँ। इसका मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो एनपीओपी होगा ना, इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, ठीक है। और मतलब उसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम आता है। और ऑब्वियसली अगर आपको इतना पता लग गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो एपेडा एजेंसी है ये किस चीज़ के लिए है, ये एग्रीकल्चर जो आप प्रोडक्ट और जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो इंडिया प्रोड्यूस करता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये यूज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड दैट इज आप देखोगे कि ये फंक्शन कर सकती है एज सेक्रेटेरिएट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो बोल रहा है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैंने आपको अभी बता दिया कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 एंड 3 स्टेटमेंट।